अब ऑनलाइन मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। परिवहन विभाग महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दी जाने वाली 115 सेवाओं में से 80 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, सेकेंडरी ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने, सेकेंडरी व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बदलाव, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के पते में बदलाव और अनापत्ति के लिए अब आपको ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी RTO ऑफिस नहीं जाना होगा। परिवहन मंत्री अधिवक्ता अनिल परब ने कहा कि अब इन 6 सेवाओं को ऑनलाइन शुरू किया गया है। इन 6 सेवाओं का उद्घाटन मंत्री अनिल परब ने किया। मंत्री परब ने कहा कि विभाग द्वारा 115 लाइसेंस पंजीकरण प्रमाण पत्र लाइसेंस संबंधी सेवाएं प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार 80 सेवाएं ऑनलाइन है और आज 6 सेवाएं ऑनलाइन शुरू की गई हैं। इससे 2,00,000 लोगों को फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकों को पारदर्शी सेवाएं देने के लिए इन सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। आवेदक आवेदन, भुगतान और दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकता है। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर का उपयोग किया जाएगा। आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा, जिसके बाद यदि यह परिवहन वेबसाइट पर पंजीकृत है तो आवेदक की जानकारी को सत्यापित करने के बाद ही आगे आवेदन करना संभव होगा। साथ ही आवेदक को नया लाइसेंस पंजीकरण प्रमाण पत्र डाक द्वारा भेजा जाएगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र के जरिए राज्य को प्रति वर्ष 1,00,000 आवेदन प्राप्त होते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सालाना 30,000 आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र पते के परिवर्तन के लिए 20,000 आवेदन, लाइसेंस प्रमाण पत्र के लिए 2,00,000 आवेदन, लाइसेंस पर पते के परिवर्तन के लिए 2,00,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 14,00,000 आवेदन प्राप्त होते हैं। अब यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।